मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। यही वजह है कि इंदौर में नई गाइडलाइन जारी की गई। नए नियम के मुताबिक शहर में शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। वहीं मैरिज गार्डन संचालक को पुलिस थाने में समारोह की वीडियो भी जमा करनी होगी। नियमों को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। फिर तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये जो नियम है, नियम कानून सबके लिए समान होता है और जो भी इसका उल्लंघन करेगा और जानकारी में आएगा उस संचालक के खिलाफ या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ, यदि संचालक रिपोर्ट करता है तो उस आयोजक के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये गाइडलाइन जारी की है, उसमें वायलेशन पाने पर सबसे पहले तो उनको एक चेतावनी दी जाएगी, उसमें सस्पेंशन, लाइसेंस सस्पेंशन के लिए भी प्रस्तावित करेंगे, एक दिन या दो दिन जैसा भी कलेक्टर महोदय बताएंगे, उस हिसाब से हम उनका लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए कार्रवाई करेंगे। सर, बार के अंदर केवल वीआईपी शादियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी तरह की शादियों में पिछले 3-4 दिनों से स्थिति खराब हुई है, संख्या बहुत बड़ी है। सभी तरह की शादी में, बारात में अगर आप देखेंगे तो उसमें वॉलेशंस हो रहे हैं। तो इसके लिए आज बैठा बुलाया था इनको कि जितने भी होटल संचालक हैं, मैरिज गार्डन के संचालक हैं, रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं, जहां फंक्शन शादी के अलावा जन्मदिन के भी होते हैं, किटी पार्टीज होती हैं, एनिवर्सरीज की होती हैं, उन सभी जगहों पर अगर ये लोग सख्ती करेंगे और ये लोग अपनी सर्विसेज एक पर अगर वॉलेशन ऑर्गेनाइजर करते हैं, जो लोग आ रहे हैं वो वॉलेट करते हैं, नहीं सुनते हैं इनकी, तो इनके हाथ में सर्विसेज देना बंद करना उस संस्थान का।